एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, क्या पूरा मामला हुआ है, कोर्ट ने क्या कहा? 20 दिसंबर 2014 को एनएससीआई के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो एआईबी रोस्ट करके शो हुआ था उसका जो है जिस तरह से कानून का उल्लंघन किया उसने, जिस तरह से महिला की अस्मिता को ठेस पहुंचाई, जिस तरह से वल्गर और ओब्सीन शो, एक पोर्नोग्राफी आप उसको कह सकते हैं, वो शो वहां पे पैसे के लिए किया गया, जो कि कानून अगर आप देखें तो 294 ऑफ द आईपीसी ओब्सीन वर्ड्स इन अ पब्लिक प्लेस का गुनाह बनता है, 509 इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन का गुनाह बनता है जिसमें एक साल की सजा है, और ये जो एनएससीआई स्टेडियम है ये जो है सीआरजेड नोटिफिकेशन के तहत वहां पे बिना लैंड यूज के चेंज के आप कोई कमर्शियल वेंचर नहीं कर सकते, ये स्पोर्ट्स के लिए परमिशन दी गई थी एक हाईकोर्ट की ये रिट पिटिशन की याचिका में भी एनएससीआई ने कहा था कि ये स्पोर्ट्स के लिए हमको सरकारी जमीन दी गई है, और उसके बावजूद इन्होंने वहां पे एक कमर्शियल इस तरह का भद्दा शो किया जिसे कि सेक्शन 15 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का वायलेशन होता है जिसमें 5 साल की सजा है, वो कॉग्निजेबल नॉन वेलेबल ऑफेंस है, और ये भी ये शो जो है 52 ऑफ द एमआरटीपी का भी वायलेशन करता है क्योंकि कोई भी स्टेज आप एक ईटा भी नहीं रख सकते उस एरिया में। सबको मालूम है कि शिवाजी पार्क में जब बाला साहब ठाकरे का मेमोरियल बनना था वहां पे एक ईटा भी रखने की परमिशन नहीं दी गई थी, बीएमसी कमिश्नर का एक्सप्लेनेशन कॉल कर लिया गया था। आज कैंपा कोला वाले बेघर हो रहे हैं क्योंकि वहां पे आप लैंड यूज चेंज नहीं कर सकते। तो उस तरह से जब ये एमआरटीपी का भी 52 का वायलेशन होता है, इन्होंने वहां पे स्टेज बनाया, उसमें 3 साल की सजा है, वो भी कॉग्निजेबल नॉन वेलेबल ऑफेंस है, और ये भद्दा ओब्सीन पोर्नोग्राफिक शो यूट्यूब पे डाला गया जिससे पूरे देश के बच्चों ने देखा इतना ओब्सीनिटी, और ये 66 ए और 67 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का भी वायलेशन करता है जिसमें मिनिमम 3 साल की सजा है, और इसीलिए कोर्ट के सामने कोर्ट ने ऑर्डर किया है तारदेव पुलिस स्टेशन को कि 120 बी और 34 ऑफ द आईपीसी, 294 एंड 509 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, साथ ही साथ 66 ए और 67 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और सेक्शन 15 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और 52 ऑफ द एमआरटीपी, इनके तहत एफआईआर लिखी जाए, और एफआईआर जो है एनएससीआई के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साथ ही साथ एआईबी रोस्ट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो इसके होस्ट और एक्टर्स हैं करण जौहर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और जो स्पेक्टेटर्स जिनको पैसा मिला ये भद्दे जोक पे हंसने का, उन पे भी एफआईआर इंक्वायरी करके तारदेव पुलिस लिखे।